सोशली बहुत एमियबल आदमी, बहुत मेहमान नवाज शख्सियत, उनकी बेगम भी बहुत मेहमान नवाज और खुश दिल हैं। अल्लाह उन दोनों को सलामत रखे और दोनों हमेशा खुश रहें। दोनों मतलब आपस में ऐसे पर्सनालिटी हैं शत्रुघ्न जी और पूनम जी की, उनकी वही खूबी है कि लोगों को बहुत जल्दी वो लोग आकर्षित इम्प्रेस कर लेते हैं। भाभी, हमने सुना है कि आपकी और भैया की मुलाकात जो है पहली बार ट्रेन में हुई थी। हाँ। हैं बिल्कुल फिल्मी पाकीज़ा की तरह, पाकीज़ा की तरह। जब उन्होंने मुझे देखा कि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में कोई इतनी खूबसूरत लड़की हो सकती है। पटना की सिलसिले में गई थी? हम पटना गए थे अपने राखी भाई की शादी में। अच्छा। हाँ, तो हम लोग वापस लौट रहे थे और ये उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में, मेरे सामने वाली सीट में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने आ रहे थे। अच्छा। और जिनकी शादी में हम गए थे उनके छोटे भाई के ये दोस्त थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें बताया कि ये देखिए, ये जो हैं लड़के, ये जा रहे हैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने, हीरो बनने। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, रिएक्शन तो अच्छा ही था, हम बहुत छोटे थे उस समय। एंड आई थिंक हम स्कूल में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे। तो उसमें मतलब उस वक्त इंडस्ट्री की छवि जो थी वो आपके फैमिली में ठीक थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल ही दूर थे फिल्म इंडस्ट्री से, कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन था ही नहीं। हम मॉडलिंग करते थे और उसके बाद फिर हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किए, काफ़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने जीते और ऑफ कोर्स द बेस्ट वन आई वन वाज मिस इंडिया। किस ईयर की बात है भाभी? ये है 68 की बात। अच्छा। और उसके बाद तो फिर हमने भी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, विच वाज सच अ कोइंसिडेंस कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। बात ये हुई कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तो शादी तो मुझे करनी नहीं थी इतनी जल्दी, तो हमने उनको कहा कि चलो हम एक ट्राई करते हैं कि हम फिल्म लाइन से, हमको बहुत ऑफर आने लगे थे कि आप तो हमारे साथ साथ ही रहेंगी, तो चलिए हम ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई व्हाट इट इज फिल्म इंडस्ट्री, कैसी है क्या है। इस तब जाके हम फिल्म इंडस्ट्री में आए, फिर ये भी आए पूना इंस्टीट्यूट से वापस इंडस्ट्री में अपना लक ट्राई करने। अच्छा। और फिर मुलाकातें हुई एंड देन इट्स हिस्ट्री। मतलब ये तो कहेंगे कि बिल्कुल ऊपर से बनाया गया जोड़ा जी है? बिल्कुल। और बिल्कुल स्क्रीन प्ले ऐसा, बॉम्बे की लड़की और बिहार का लड़का। अच्छा, तो इंडस्ट्री में जो है वो आप उनसे सीनियर हो गई थी, उनसे पहले आ गई थी? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली साथ साथ ही आए हम लोग। अच्छा। क्योंकि एक फिल्म थी धरती की गोद में जिसमें हम दोनों ने साथ में काम किया। अच्छा। मैं सोमदत्त की हीरोइन थी। अच्छा। उन दिनों में सोमदत्त आए थे, सुनील दत्त जी के भाई, और वो हीरो थे, मैं हीरोइन थी और उस पिक्चर में ये विलन थे। अच्छा, तो उसमें आपको खूब सताया बताया? बहुत सताया। बहुत सताया। अच्छा। लेकिन बाद में हीरो बन गए। हाँ। और फिर मेरे साथ एज अ हीरो भी उन्होंने काम किया। अच्छा। सबक फिल्म में, सबक में जुगल किशोर जी की फिल्म सबक में। अच्छा। उसमें ये हीरो थे और मैं हीरोइन थी। अरे वाह। ये भाभी आपको शादी करने में 14 साल लग गए? हाँ, ऐसा सुनने में आया। बिल्कुल। तो इतना लंबा अरसा? हाँ, हम पहले ही शादी के पहले ही हम बनवास देख चुके थे। तो इसलिए कि बोलते हैं कि ये कलयुग की रामायण है, तो इसलिए हमने पहले ही देख लिया वनवास 14 साल का। तो ये क्या रीजन क्या था? रीजन कुछ खास नहीं था, ये था कि इनका करियर बन रहा था, फिर जैसे कि होता है कि नहीं, अब फिल्मों में नए आ रहे हैं, अब हीरो बन रहे हैं, अब हीरो बनेंगे तो शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तुम करियर जो होता है यूजुअल कि मार्केट फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह से दिन निकलते गए और फाइनली 14 साल के बाद शादी हो गई। तो शादी के बाद फिर जो है वो आपने लाइन छोड़ दी? हाँ। तो भैया ने कहा छोड़ने को या आपने खुद छोड़ दिया? नहीं, मैंने खुद भी छोड़ा और मुझे लगा कि इनको पसंद नहीं है। अच्छा। इसलिए एंड आई थिंक मुझे अपनी प्रायोरिटीज का पता था। हुँ.
कि मेरी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए लाइफ में। एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, पूनम आई वहाँ धनबाद में अटेंड करने के लिए, तो जब पता चला बगल में गर्ल्स स्कूल था, लड़कियों को पता चला वो दिन भर मेला लगा के वहाँ मिलने आती थी, और कभी न उसको अनसाना न चिढ़ना, बहुत बहुत अच्छे स्वभाव की, बहुत मीठा बोलती है। तो एक दिन हुआ क्या कि एक लड़की मिलने आई, उसके बाद ये लाइट चली गई, तो बैठी हुई थी मेरी केबिन में, हमारे दो रिलेशंस बाहर बैठे हुए थे। जब लाइट आई तो वो बेचारे आए, कहे कि भाभी एक लड़की बहुत देर से खड़ी है, आप चल के उनसे ज़रा सा मिल लीजिए। तो जब वो निकली वहाँ, तो निकली तो मिलने बातचीत होने लगी, बोली कि देखिए ना हमको पता चला कि आप आई हैं, सो सुना आप भी सिंधी हैं और हम भी सिंधी हैं। तो बड़े तफाक से पूनम बोली, हम तो सुनी बात बता रहे हैं अपने रिलेशन से, कि नहीं भाई मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं तो बिहारी हूँ। और बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके। तो भाभी शादी से पहले तो आप गई थी वहाँ पटना राखी भाई की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर कितने दिन के बाद गई पटना? उसके बाद फिर हम गए थे अपने दीदी के ऑपरेशन में धनबाद। अच्छा। हाँ उनका ऑपरेशन हो रहा था तो उसके लिए हम गए हुए थे उनको देखने के लिए। वहाँ का इंसिडेंट मुझे बताया गया है कि वहाँ कोई लड़की आपसे मिलने के लिए बहुत देर से बैठी थी, करीब 4-5 घंटे से बैठी थी आपसे मिलने को, और फिर वो किसी ने आपको आके कहा कि आपसे कोई मिलने आई है तो मिल लीजिए, तो आप उससे मिलने गई। उनने कहा कि आप भी सिंधी हैं, मैं भी सिंधी हूँ, तो मुझे आपसे मिलने का बहुत मन किया। तो आपने जो जवाब दिया वो तो बिहारियों को एकदम हाँ, मैंने कहा कि अब मैं बिहारी हूँ, यही ना? हाँ मैंने यही कहा था। और अब मेरे बच्चे बोलते हैं कि हम लोग न सिंधी है न बिहारी है, हम बिंदी हैं, बिकॉज बिहारी और सिंधी का बिंदी बन गया। बच्चों के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया आपने? अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लव कुश लव मास मीडिया कर रहा है, मीडिया कम्युनिकेशन वेबस्टर यूनिवर्सिटी में, और लव बिजनेस कुश बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है। सोनाक्षी मेरी बिटिया जो है वो 10th स्टैंडर्ड में है अब, आज अब की उसका बहुत क्रूशल ईयर है बिकॉज बोर्ड के एग्जाम्स है, और बस तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। और बिहार कब आ रही हैं? हाँ हम तो हमेशा जाते ही रहते हैं, बिहार तो मेरा ससुराल है, वहाँ नहीं जाएंगे तो पिटेंगे। ये कहावत क्यों इतनी मशहूर है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है? मैं तो एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ। अच्छा। कि ये सही है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक अच्छी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन ये भी सही है कि देखा गया कि ज्यादातर कामयाब पुरुष के पतन के पीछे भी किसी स्त्री का ही हाथ होता है। अच्छा, बच्चों को फिल्मों में डालेंगे या पॉलिटिक्स में डालेंगे? कहना मुश्किल है लिलिपुट, मैंने जीवन में ये भी सीखा है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए तो सीखता ही रहता हूँ, ये भी सीखने की कोशिश करता हूँ क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैंने इस साक्षात्कार यानी इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा था तुमसे कि मेरे ऊपर कुछ हद तक थोपा गया था विज्ञान, जो कि मैं विज्ञान में मेरी रुचि नहीं थी और जो मैं विज्ञान के काबिल नहीं था। मैंने कहा कि डॉक्टर बनना दूर की बात, मैं कंपाउंडर बनने के काबिल नहीं था उस तरह, इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी रुचि अपने बच्चों पे थोपूं। हाँ उनकी क्षमता उनकी योग्यता उनके अपने फोकस पे निर्भर करेगा, और जिस दिशा या जिस राह के योग्य होंगे, जिस लाइन या जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे अपनी योग्यता क्षमता शक्ति और भक्ति के आधार पर, मैं एक पिता और ये दोस्त पिता की हैसियत से उस मार्गदर्शक नहीं बल्कि उस मार्ग पे उनके लिए उनका रास्ता उनका मार्ग सहज और सरल करने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरे ख्याल से ये सुनने वाले जो बच्चे हैं ना वो अपने बाप की तरफ देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि डैडी जरा कुछ सीखो। की तो वैसी पर्सनालिटी है कि वो मतलब एक वो मिसाल कायम करती हैं, एक मतलब अच्छी
वाइफ का और अच्छी गृहस्थन मतलब जो होती हैं एंड अच्छी माँ भी साबित हुई हैं बच्चों के लिए, मतलब अच्छी बहू हैं, अच्छी देवरानी हैं। शत्रुघ्न की सफलता के पीछे उनकी पत्नी का आज भी हाथ है। वो दिल्ली में रहते हैं, हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं और वो अकेले बॉम्बे में रह के बच्चों के एजुकेशन का, लड़की की देखभाल, घर मेंटेन करना, है ना, दिल्ली का जो घर उनका जहाँ रहते हैं वहाँ का कंट्रोल करना, पटना में कंफर्टेबल रहे उसकी देखभाल करना, ये सब बहुत वेरिटेबल काम है कि तीन तीन गृहस्थी वो बैठे बैठे वहाँ पर संभालती हैं। ये आसान काम नहीं है और इतना सेक्रीफाइस करना कि हस्बैंड जो हैं सो साल में 12 महीना में 9 महीना बाहर रहें, ये शायद ही कोई लेडी इतना बर्दाश्त करेगी। बच्चों के लिए और इनकी सफलता के लिए वो सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त करें।